हम लेट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं नमाज के लिए। आ जाओ सन, सलाम कर लेंगे आपको। जो हमारी मीटिंग का स्पेशल मकसद था ना शर्जील भाई, आज इन दोनों की हमने करवानी थी सुलह, इसलिए मैं राफी भाई को इंसिस्ट कर रहा था कि यार हमने बैठना सिटिंग करनी है, लेकिन राफी भाई हमें टाइम नहीं दे रहे थे। तो फाइनली फिर आज का टाइम, उनकी उनकी मेहरबानी मोहब्बत है कि उन्होंने हमारा तीन तीन दफा ईद मुबारक, ईद मुबारक ऐसे। चलो ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यार फजल बुखारी को अपनी फजल बुखारी फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है, तो आप लोग अपना ख्याल रखा करें। माशाल्लाह दो दिन से मौसम बड़ा बेहतर हो गया, तो मैंने कहा चले आज बाहर व्लॉग बना लें। ये देखें माशाल्लाह मौसम मजेदार है। तो आज जुमा तो मुबारक है, तो आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे भी आपको मेरे सूट से लग रहा होगा कि फजल भाई मतलब फ्राइडे को सूट पहनते हैं, या लास्ट टाइम मैंने सुबील वाले दिन संडे को पहना था, तो इस संडे पता नहीं क्या सीन है, क्या पहनना है क्या नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो ये है कि आज की रूटीन शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं चैनल सब्सक्राइब के बगैर मेरे वीडियो भी लोग देख रहे हैं तो यार ये ज्यादती है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उससे होता है कि अच्छे अच्छे ब्लॉग और अच्छे अच्छे शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन शुरू हो जाता है। तो ये कि मैंने कहा आज मेरे सामने ना एक आयत लिखी हुई है, इससे शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो ये कि अय्याक नअबुदु वअय्याक नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीर हो। तो यार आपको पता है फील का मिशन शुरू किया हुआ है, तो आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि आप जैसे बहन भाई दूसरे भी हमारे एंटरटेनिंग व्लॉग देख सकें। तो इंशाल्लाह इस संडे आप लोगों ने 12 बजे जो है ना वो राइट टाइम, आपने वो जो डेस्टिनेशन आपको एक पॉइंट बताया हुआ है उसी पर हमने इंशाल्लाह हर संडे के संडे जो है ना वो अपनी सबील का इस्तेमाल करना है। तो आप लोग लाजमी शिरकत करें और कोशिश करें आप टाइम पे आ जाएं। A few moments later, हम लेट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं नमाज के लिए। A few moments later, आ जाओ सन, सलाम कर लेंगे आपको। A few inches later. जी शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ी है, आपको पता है जुमे का दिन है, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद आज नमाज के टाइम में लेट हो गए पूरे, मतलब अकामत हो रही थी तो मैं, हसन और हैदर हम टाइम पे पहुंचे हैं। तो नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद कब्रिस्तान गए हैं, कब्रिस्तान उसके बाद आके वजाहत को पढ़ाया है। तो ये कि इंशाल्लाह आज की जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ ऐड होगी। संडे आ रहा है, संडे सेकेंड डे है हमारा सुबील का, तो ये कि अली भाई के साथ सामान वगैरह लेने जाना है, तो उनको भी मैंने कॉल की थी कि अली भाई आपने कहा था फ्राइडे को सामान ले आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि यार मुझे एक दो काम है, तो इंशाल्लाह जैसे मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपसे रब्ता करता हूँ। यह कि देखते हैं, या तो उनसे मैंने कहा कि आप खुद ला दें सामान, नहीं तो जब भी फ्री हो तो आप मुझे बता दें जाके सामान ले आएंगे। बाकी यह कि रात को इंशाल्लाह राफी भाई और हसन भाई और हुसैन के साथ हमारी आज सीटिंग है, कुछ खाते पीते हैं, गपशप करते हैं, तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ उससे पहले अगर कोई रूटीन हुई तो वो ऐड करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह रात को आपसे मुलाकात होती है। 2000 years later, महीनों पे आ गए, राफी भाई का वेट हो रहा है और ये हसन भाई। हाँ जी हसन भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है? शुक्र लगा, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? राफी भाई का वेट हो रहा है, तो किधर निकलना फिर? पता नहीं है, तो उसे पूछेंगे अब कहाँ पे जाना है। अच्छा चले, राफी भाई का वेट कर लें फिर। ले जी राफी भाई आ रहे हैं इंशाल्लाह, ये हम अमीनो पान शॉप पे खड़े हैं, तो इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो पहुँचते हैं फिर इंशाल्लाह, देखते हैं राफी भाई से डिसीजन लेते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि हमारा तो माइंड है पिज्जा खाने का, लेकिन राफी भाई कह रहे हैं हमने बारबेक्यू खाना है। क्यों हसन भाई? ऐसे ही है। राफी भाई लगता है बारबेक्यू लवर है। बारबेक्यू लवर है, मुझे नहीं पता इतना। चल झूठा।
अच्छा नहीं, आपका आपका दोस्त है ना, इसलिए मैं मतलब उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। ठीक है, जो कहेगा वो खा लेंगे। चलें, क्योंकि हम तो भाई पिज्जे के शौकीन है, तो हम पिज्जा खाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं जैसे राफी भाई कहेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, ले जी राफी भाई आते हैं फिर चलते हैं। टाइम भाई की खाई जा रहे हो, बिरयानी है हैं? बिरयानी की खा रहे हो, दस नहीं रहे हसन भाई कुछ। वे की खा रहे हो तुसी, बिरयानी? भाई क्या हाल चाल है, फिट फाट भी ऐसे ठीक है? आ जाए वो भाई आपके उधर फोन पे लगे हुए हैं। शर्जील भाई आ जाए, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? तो भी ऐसे ठीक है आपकी, अस्सलाम वालेकुम। आए सर मुफ हसन भाई, अब वेटिंग एरिया में आप रफी भाई आपको वेट करना पड़ेगा। अब कोई बात नहीं यार, ये साथ साथ ही है फिर कोई नहीं, वो मैडम कोशिश कर तो रही है इंशाल्लाह। हुसैन भाई आपके होते, हुसैन कह रहा हूँ, हसन अब आसली तो नहीं आए इधर। A few inches later, भाई देखें यार आप फोन छोड़े, अब काइंडली थोड़ा सा हमें टाइम दें, आप देख लें क्या करना है, पिज्जा करना है साथ कोई और चीज देख लें। हसन भाई आपको मेन्यू बता सकता है, हसन भाई कोई हेल्प करें यार। हसन भाई जॉब करते रहे ना, भैया आप भी देख लें भैया। मैं तो ये चीज मंगाई, बोटी से मंगाए मंगाए जो आपको पसंद है। चले मंगवा लेते हैं, नहीं आप दें, आज आपका दिन है। हम कर रहे हैं होम टाउन, कर रहे हैं होम टाउन स्पेशल, लार्ज में कर लें। फ्लेवर कौन सा स्पेशल करते हैं आप? मलाई बोटी बना लो, मलाई बोटी करते हैं। मलाई बोटी में करते हैं स्टफ क्रस्ट, किस चीज की स्टफ क्रस्ट करवाने का बताएं भाई? चिकन कबाब में सर। और होम टाउन जाओ मीडियम कर दें, कितनी देर में आ जाएगा? चलें काइंडली कोशिश कीजिएगा जल्दी आ जाएं। ड्रिंक कौन सी करनी? कोल्ड ड्रिंक नहीं मैं पीता, आप बताएं। चलिए आप करवा लें बाद में बता देते। रफी भाई कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी आपने? तो यार पाकिस्तानी भी तो है ना, नेक्स्ट कोला पाकिस्तानी इनके पास होगी नहीं, वो बाहर से ले आए, वो अलाउ नहीं होगी हमें। चलें कोई नहीं जी, ले जी पिज्जा ऑर्डर कर दिया हमने, जैसे इंशाल्लाह आता है तो फिर खाते भी हैं और टेस्ट भी करते हैं। राफे भाई से फिर कमेंट्स लेंगे, क्योंकि राफे भाई कह रहे हैं कि चंकन चीज़ हम लाइक नहीं करते। आप पहले खाते रहे हैं, आप भी? नहीं मैं और राफे फोकन लाइफ पे जाता हूँ, फोकन लाइफ पे। हसन भाई आप हर जगह से खा लेते? नहीं मेरा भी फेवरेट क्यों ना यही है चंकन, मैंने इसलिए आपको फर्स्ट टाइम यही कहा था कि इधर ही आ जाएं। हाँ जी काफ़ी देर से जी, ये आप लोगों का आ गया स्टफ क्रस्ट और ये हमारा होम टाउन स्पेशल। आप भी करें? नहीं भाई जान आप करें, बिस्मिल्लाह। ये राफी भाई का जो है वो स्टफ क्रस्ट जो है ना वो पिज़्ज़ा है। अच्छा जी चलो थैंक यू। नहीं जी राफी भाई ने हमें टेस्ट करवा रहे हैं। हाँ जी हसन भाई कह रही है कि व्लॉग भी सा करना ही नहीं 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 व्लॉग तो यार खुद ही बनाते हैं ना अपना। नहीं भाई आप ही बिस्मिल्लाह करें। नहीं आपको फ्लेवर कौन सा बेस्ट लगा, होम टाउन लगा या वो अपने वाला? दोनों ठीक हैं। शर्जील भाई आपके क्या कमेंट्स? पिज्जा होना चाहिए, बात तो ठीक है। हाँ जी भाई जान आपके क्या कमेंट्स हैं? हाँ जी हसन भाई ठीक है, कौन सा बेहतर लगा? वो मैंने खाया ही नहीं, ये आप लोग ही खाएंगे यार। हालांकि मेरा ये फेवरेट है, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा पेट फुल है। हाँ जी हम खाएंगे, हसन भाई लें फिर आप लोग ले लो। हसन भाई मुझे पता दिल का है।
मैं ना अभी थोड़ी देर पहले रोटी खा के आई हूँ, एक रोटी मैंने खाई थी। पैक करवाने? नहीं नहीं, पैक नहीं करवाना, वो कोई नहीं, घर जाके भी तेरे शिफ्ट लगानी है हमने। राफे भाई स्पीड लगाए, टेंशन छोड़े, कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। पिज्जा खाएं आप जल्दी से। हसन यार आप लोग एक, नहीं बस मेरी, क्यों रजील भाई, बस क्यों ले जी, बाकी ये खा लें, उसके बाद फिर हमें ज़रा राफे भाई की और हसन की जो ना वो सुलह वगैरह करवाते हैं। जो हमारी मीटिंग का स्पेशल मकसद था ना शर्जील भाई, आज इन दोनों की हमने करवानी थी सुलह, इसलिए मैं राफे भाई को इंसिस्ट कर रहा था कि यार हमने बैठना सिटिंग करनी है, लेकिन राफे भाई हमें टाइम नहीं दे रहे थे, तो फाइनली फिर आज का टाइम उनकी उनकी मेहरबानी मोहब्बत है कि उन्होंने हमारा बड़े भाई होने का जो है ना वो अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दे दिया, वक्त दे दिया बिल्कुल। यार काम शाम पूरी जिंदगी चलता है भाई, जो मतलब एक मोहब्बत होती है ना उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। राफी भाई सुन रहे हैं आप, अब मुझे नेक्स्ट टाइम आप दोनों की कंप्लेन ना मिले कि आप एक दूसरे से नाराज हैं या गपशप नहीं हो रही। हाँ जी चित्र वजन के नहीं, राफी भाई सही बात है, आप भी छोटे भाई हैं, ये मेरा कजन भी है, भाई भी है, आप भी भाई हैं मेरे, ये भी भाई है, ये भी भाई है, लाजमी नहीं खूनी रिश्ता भाई नहीं होता, खूनी रिश्तों से ज्यादा जो वैल्यू है ना वो फ्रेंडशिप की होती है। हाँ जी भाई भाई यार फजल भाई नहीं, वैसे ही मैं भाई को पूछ के गया, कि भाई केड़ा हाँ। नहीं नहीं यार नहीं, 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 मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली जो है ना वो भाई वाली बात कर रहा हूँ। क्यों शर्जील भाई, यार जब आपको एक अच्छा रिलेशन नजर आता है ना तो उसको आप मजीद मतलब बेहतर करना चाहिए उसको, और डिवेलप भी करना चाहिए, और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। बड़े स्वाद की बात है, किसी से बात करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल तो करवाते ही कोई नहीं, पता ठीक है ऐसे ही है। हालांकि मुझे क्या जरूरत थी यार कि मैं इन दोनों की सुलह करवाता या राफे भाई को मैं इंसिस्ट करता। राफे भाई ये शर्जील भाई मैच्योर हुए हैं, ये हफ्ता क्यों हुआ, अभी ये मैच्योर हो गए, आप नहीं हुए अभी, मैं अभी कभी मैच्योर, ये भाई सबसे ये हम सबसे पहले ये मैच्योर हुआ। अच्छा जी ये भाई हुआ, मैं रह गया, सही हो गया, आप भी हो गए हो, बस इसका मतलब है हसन भी हो गया, राफे भाई भी हो गए मैच्योर। मैं नहीं हुआ, बाकी सब हो गए। नहीं मेरी बारी है अभी, मैंने मैच्योर होना है, आप लोग हो गए सारे, आपने होना है। यार जो बड़ा बंदा होता है ना वो छोटों के सामने ऐसे ही कहता है, नहीं आप आपकी बारी यार, कोई बात नहीं, फिर इससे ही करें टेल, आप करेंगे राफे भाई, आपको तो यार और चीज भी कोई मंगवा के देनी चाहिए। यार आपकी रियाती है, आपने भाई से ब्लड लिया है और आपने उसको कुछ भी नहीं पिलाया, राफे भाई तंग कर, अगर अगर राफे भाई झूठ बोलेंगे तो उनको हजम नहीं होगा, ठीक है नहीं। राफे भाई वाकई इन्होंने आपको नहीं पिलाया जूस, नहीं ये गलत बात है, सही है, उठता ही नहीं है, सही बात, नहीं तो फिर आप इस तरह तो ना कहेंगे उसने आपका जुमा मिस करवा दिया और ये करवा दिया वो करवा दिया, जब दोस्तों के लिए आपने जान देनी है तो फिर जूस जूस वो आपको फना भी करते तो कोई बात नहीं, क्यों भाई जान इस तरह ही है, सही बात है ना, अपना जूस भी पिलाया, बोतल भी पिलाई है, और जो भी गन्ने का जूस भी पिलाया, गन्ने का जूस खत्म हो गया था, तो कोई नहीं आप हमें बताते यार, मैं तो अक्सर आप व्लॉग में देखता हूँ राफे भाई सैलेड और गन्ने का जूस जो ना अक्सर मैं मतलब यूज करता हूँ, वो बाबर चौक के कॉर्नर पे। हसन भाई आप कुछ इरशाद फरमाएं यार, बस कोई एक दो लाइन हमारे लिए, नहीं हमारे लिए,
नहीं हमारे लिए नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, आप लोग छोटे भाई हैं। राफी भाई आप लोगों की सुलह हो गई है, जफ्फी डाली रह गई है, वो भी खड़े होकर डलवा देते हैं। हाँ जी नहीं ऐसे नहीं डली, वो ईद मुबारक आपने ईद से पहले मिल लेना, सही बात है, जफ्फी खड़े होकर डलती है, ऐसे नहीं डलते। शजील भाई इनका क्या मकसद है, मुझे मकसद नहीं समझ आया। ये वही यार, जो समझ गया तो नहीं समझ। राफी भाई समझ गए हैं, नहीं समझ तो हम भी गए हैं, लेकिन वैसे ही हम ना जरा फील नहीं होने चाहिए। शर्जील भाई इनकी जफ्फी डलवाए आओ, ले हसन भाई चले, नहीं नहीं जफ्फी 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 तो नहीं, तीन तीन दफा ईद मुबारक, ईद मुबारक ऐसे। चलो ठीक हो गया, तुम तो नहीं मिलनी, तुम साढ़े ना मिल लो। बहुत शुक्रिया आपका यार, ले शर्जील भाई आपका भी शुक्रिया। राफी भाई आपकी मोहब्बत, क्या आप टाइम निकाल के आए यार, इसी तरह मोहब्बत करते रहा करें यार, दोस्तों के साथ बैठने का एक बहाना होता है। अब और कुछ खाना पीना बताएं, कोई आइसक्रीम, कोई मतलब बाहर से कोई जूस पिलाएं, नहीं आपका ही काम है, आप बताएं, आज आप हमारे मेहमान है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मैंने अभी उससे कॉल की थी तो वो गया हुआ एयरपोर्ट के पास ना, मैंने कहा यार मेरा टाइम थोड़ा जल्दी बन गया था, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसे भी ले आएंगे लाजमी, आप बेफिक्र है इंशाल्लाह, बशर्ते कि मैं अगर फैसलाबाद हुआ तो। हाँ जी हसन भैया आपने भी घर जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ घर। सर बताएं कहीं और कोई सीन पार्ट है तो, आप बताएं, आपने कोई आपने सिगरेट पीना है, कोई पान खाना है, या कोई पान शान खाना तो बताएं। तो ये स्मोकिंग वाला हिसाब है, 50 mg पी रहे हो आप, ये 50 mg है जो आप पीते हो। ये राफी भाई क्या, राफी भाई दिखाना जरा हाथ में जो आपको, ये देखिए 50 mg है, राफी भाई पीते हैं, शर्जील भाई नहीं पीते, और ये भाई पीते हैं। मैं आपको वीडियो निकालेंगे, दिखा देंगे, नहीं मैंने शर्जील भाई को नहीं देखा पीते हुए, शर्जील ऐसे ही है ना, राफी भाई और ये दोनों पीते हैं, इन दोनों में ज्यादा कौन पीता है। ये होते हैं नुकसान ले पीएंगे, वो नहीं लिया भाई ने, वो पमरेंट से लेके आया है। नहीं राफी भाई आपकी मोहब्बत का शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपकी मोहब्बत, कि आपने हमारे लिए स्पेशल बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। सर मुझे आप कल बुलाएंगे ना तो मैं कल भी आ जाऊंगा, मेरी नेचर इस तरह की है कि मुझे कोई प्यार से बुलाता है ना, हम प्यार से बुलाएंगे। राफी भाई पता नहीं समझ रहे फजल भाई मुझे क्यों बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, तो यही बेसिकली मोहब्बत थी मेरी, जो मेन मकसद था वो हसन भाई की और राफी भाई की हमने सुलह करवाने थी, वो हो गई है, नहीं पहले गली बात ही सुलह थी, अब जेन्युइन सुलह हो गई है। ठीक है हसन भाई, ले शर्जील भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संडे को लगाइएगा चक्कर, आप भी आइएगा टाइम निकाल के यार, कार्य खैर में आप भी हमारे साथ थोड़ा सा, अभी अभी ईद दूर है तो संडे कर लेंगे, आप माशाल्लाह खुद ही चांद है यार, सही है, क्यों शजील भाई अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटअप कब होगा, संडे को, संडे को फिर आपने स्वील पे आना, ठीक है, हसन भाई भी होंगे वहाँ पे और आप भी आइएगा यार टाइम निकाल के, स्वील का मकसद समझते हैं ना आप, स्वील मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, गर्मियों में आपको पता है इंसान, मौला का फरमान है कि जब इंसान के गुनाह इतने ज्यादा हो जाए ना तो आप पानी पिलाना शुरू कर दें, प्यासों को पानी पिलाना इतना स्वाब का काम है। ले रफी भाई फिर बहुत बहुत शुक्रिया, संजील भाई आपका भी बहुत, ये भाई का नाम क्या है, सजावल भाई, क्या हाल है, ठीक है, ओके अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है, फजल भाई अल्लाह का करम, आप सुनाएं, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी भाई जान आपका भी ठीक, क्या हाल है, ठीक ठाक है, तो भैया से ठीक है जी। अहमद भाई हम अपने सिंपल कैमरे से वीडियो बनाते हैं और उसकी जो एडिटिंग है ना वो हम उस पर फिल्टर वगैरह लगा लेते हैं और हल्का फुल्का कोई पॉलिश कर लेते हैं,
तो अहमद भाई मेरे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, इनका मेडिकल स्टोर है रहमान भाई से, तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो अहमद भाई ने माशाल्लाह पहले अपना गेटअप ना बदमाशों वाला रखा हुआ, इसलिए मैं ब्लॉग में कम लेता था। तो माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए बच्चे हैं। तो अहमद भाई यार वो नादली की मेडिसिन जो है ना वो मेरा भाई मंगवा दें। अगर भाई इंशाल्लाह आपको यार ढूंढ देते हैं, 10-15 मिनट दें हमें बैठे। मैं सर आपके पास ही हूँ। नहीं सर बहुत शुक्रिया, सारा कुछ आपका ही है। बस ना थोड़ी सी लोगों को भी शर्म आनी चाहिए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, इनको सपोर्ट करनी चाहिए। तो यार आप सपोर्ट करें, हम भी करें, लोग भी करें सपोर्ट। आप करें लोग करेंगे, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को चाहिए आप हमें सपोर्ट करें। आप ईमानदार से बताएं कि आपने मेरा चैनल कितने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया है। मेरे पास जो आता है मैं उसको बोल देता हूँ। नहीं बोलना नहीं है ये, इसको ये भाई की मोहब्बत है। भाई ने मेरे से पूछा कि आपका चैनल क्या है, तो फौरन उन्होंने सर्च किया है। तो ये आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दस्ती करो काम ओके, तुझे सर मोबाइल फड़ के दस्ती कराया करो। मैं ये आपकी मोहब्बत है, कस्टमर है तो मैं कहना का फौरन भाई पूरी फॉलो कर लो। तो रहमान भाई कहाँ गए हुए हैं? रहमान भाई इधर गए हैं, बाजार तक गए हैं भाई। कब तक आ जाएंगे? अभी 5-7 मिनट में आ रहे हैं वो। सही, तो क्या हालातों वाकया थे काम शाम के? हालातों वाकया फजल भाई ये है कि यार बहुत ना इस टाइम मार्केट स्लो जा रही है। आप तो नून लीग के सपोर्टर हैं, वोटर भी हैं, फिर आप अगर आपकी हुकूमत में भी आपका काम शाम नहीं है तो फिर ज्यादा है। बात यह है कि हम नून लीग के सपोर्टर नहीं है, हम जो हुकूमत उसके सपोर्टर है। अगर पीटीए की आगे उसकी तरफ होगा, अगर नून लीग नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हक 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 हमें हक के साथ खड़े होना चाहिए। हक के साथ क्या खड़े हों हम, हमारे हक के साथ खड़े होने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। आर्मी चीफ जिधर आया जिधर अपना अपना वो है चीफ जस्टिस, वो नहीं कुछ कर सके। हम आपके साथ खड़ोगे गोली खाएंगे यार। हमने अपनी कब्र में जाना है ना, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है। कब्र में तो जाना है, पहले दिन हमें कब्र में भेज देना है। कोई बात नहीं, ख्याल है ये है कि इसलिए हम आपके साथ नहीं। अच्छा मेडिसिन, कुछ मेडिसिन काफी शॉर्ट भी है, एक्सटोर पता नहीं वो 420 है कौन सी है, वो भी शॉर्ट है काफी। फजल भाई के पाकिस्तान जो है ना अब नहीं। अच्छा ये टेटनस का इंजेक्शन क्यों शॉर्ट है? ये जेन्युइनली पीछे से शॉर्ट है, हालांकि बहुत सस्ता सा इंजेक्शन है। तो ये ब्लैक में 230 का 250 का दे रहे हैं। फजल भाई कंपनियां खुद शॉर्ट करती हैं मार्केट में, जो बैठे हुए मगरमच्छ ये बल्क क्वांटिटी में माल उठा लेते हैं, उसको बाद में शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करके फिर ज्यादा रेट पे सेल करते हैं। सही है, इसलिए मेडिसिन शॉर्ट होती है, और कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान है आपको पता है, गेड़े के बगैर कोई इधर काम हो नहीं सकता। ये तो है, तो बस ना चलिए अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो यार मेरी मेडिसिन मंगवा दें जल्दी से, थोड़ी सी शर्म करें लोगों को, उन्होंने नहीं करनी है। मेडिसिन वगैरह जो हमारा शेर है वो आपको पता है अंदर पिंजरे में बैठा हुआ है, बस ऐसे ही वो शेर ही है, कुछ शेर बाहर फिर रहे हैं। मैं बिचो कट देना वा, साडे लीडर नु कुछ नहीं कहना। की बंदा करे थे। नहीं अहमद भाई फिर मंगवा के दें यार, मैं इंशाल्लाह 10-15 मिनट तक आपको आ जाती है। चलें बहुत शुक्रिया, इमरान खान को फोन करने लगा वहाँ पहुँच जाते करें करें। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्सक्राइब किया है, तो आपने हमें सपोर्ट भी करनी है और हमारा चैनल शेयर भी करना है, क्योंकि अभी मेरी बिगनिंग है, तो आप जैसे भाइयों की मुझे जरूरत है, तो इसी तरह सपोर्ट करना। अहमद भाई तुसी भी करना, मैं जी पूरे भारत ना थानू सपोर्ट करांगा। ठीक है, वोट भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। हां जी भाई क्या हाल है? इनको पता है, ठीक ठाक है। इनको आपके चैनल के बारे में पता है? यार YouTube देखते हैं आप, आपने मेरा चैनल सर्च करना है फजल बुखारी फैमिली, ठीक है, लाजमी करना है मेरा बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। An hour later. ले जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी घर पहुंचा हूं। तो ये है कि जो आज की मतलब ट्रीट थी वो बेसिकली राफे और हसन की सुलह में थी, क्योंकि उन दोनों की सुलह करवानी थी, उनकी लड़ाई हुई थी आपस में, लेकिन वो कह रहे थे जी हमारी लड़ाई नहीं है, तो उनकी खैर सुलह करवाई, इसलिए मैंने उनका प्लान किया हुआ था। लेकिन राफे भाई समझ रहे थे यार पता नहीं फजल भाई क्यों बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं। तो राफे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन भाई आपका भी शुक्रिया कि आप मेरे कहने पर दोनों इकट्ठे हुए। तो अल्लाह ताला मौला पंजाब पाक आप लोगों को खुश रखे। और उसके बाद अपने स्टूडेंट की मेडिकल स्टोर पर गया था, वहाँ से कुछ नादली की मेडिसिन लेनी थी, वो ली हैं। तो बस अभी घर पहुँचाऊँ और आज की सारी रूटीन आपके सामने। जुमा मुबारक था माशाल्लाह। तो ये है कि आज का व्लॉग आपको मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैंने ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ के व्लॉग की टाइमिंग चेंज कर ली। पहले मैं दोपहर में कर रहा था, फिर सुबह कर दिया, अब मैं ना मतलब 7 से 8 के दरमियान अपना व्लॉग अपलोड किया करूँगा। तो ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और इसी तरह जो है ना वो मेरे व्लॉग को जो है ना आगे शेयर कर दिया करें। बाकी इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो काइंड लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपने पिज़्ज़े का जो फेवरेट फ्लेवर है ना वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।